नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बाउत। राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो है 2021-22 में, अब अगले क्षेत्र की तरफ बात करते हैं। अगला क्षेत्र है कृषि एवं संबंधित, इससे संबंधित सेवाएं हैं उनके संदर्भ में बात करें कि क्या स्थिति है। राजस्थान में पूरे मानसून मौसम में 2021 के दौरान अधिकांश जिलों में असामान्य या फिर अधिक या सामान्य वर्षा हुई है, जबकि गंगानगर और सिरोही जिलों में कम वर्षा दर्ज की गई है। सिरोही और गंगानगर में राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2021 की अवधि में वास्तविक वर्षा 485.40 मिलीमीटर दर्ज की गई है, जो कि सामान्य वर्षा के 414.50 मिलीमीटर की तुलना में 17.10% अधिक रही। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि GSVA में स्थिर मूल्य के साथ साथ प्रचलित मूल्य में भी निरंतर वृद्धि हुई। स्थिर मूल्य जो बात करें 2011-12 में मूल्यों पर, ये वर्ष 2011-12 में रुपये 1.19 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 1.95 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि 5.04% की वार्षिक वृद्धि CAGR दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर 2011-12 के रुपये 1.19 लाख करोड़ से बढ़कर 2021-22 में रुपये 3.37 लाख करोड़ हो गया और 10.97% की वार्षिक वृद्धि CAGR को दर्शाता है। ठीक है, ये बात बैंकिंग के बाद देखें, बैंकिंग के संदर्भ में ये बात चल रही है। प्रारंभिक पूर्व अनुमान अनुसार राज्य में वर्ष 2021 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना रहा, 225.20 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि गत वर्ष में 269.09 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 16.31% कम है। कृषि विभाग प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों एवं केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादकता के परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अनाज, दलहन और तिलहन की उत्पादकता में 1997-98 से 2001-2002 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-2021 में क्रमशः 101.51%, 46.61% और 77.71% की वृद्धि हुई है। कपास की बात करें तो वर्ष 1997-98 से 2001-02 के मध्य की बात करें तो औसत उत्पादकता 337 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी, जो 100.30% बढ़कर वर्ष 2021-2021 में 675 किलोग्राम प्रति हेक्टर हो गई है। राजस्थान में उद्यानिकी के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि प्रसंस्करण और अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय अंश सहित 571.40 करोड़ रुपए के बजट के विरुद्ध दिसंबर 2021 तक 199.98 करोड़ की राशि व्यय की गई है। बात करें राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में कृषक, खेतियर, मजदूर और हलालों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत बात करें 21-22 में दिसंबर 21 तक जो है 2021 तक 2087 किसानों को 32.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी। ये बात थी कृषि के क्षेत्र में। अब बात करेंगे सिंचाई के अगले वीडियो में।